भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड के करहरिया पंचायत के अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र जांच करने पहुंची केंद्रीय टीम खुली अस्पताल की व्यवस्था की पोल। सरकार भले ही आयुष्मान भारत के तहत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर 2 वर्ष पूर्व ही चालू कर दी गई, लेकिन इसका लाभ जनता को नहीं मिल पा रही है। केंद्रीय सरकार के निर्देश पर सेंट्रल से आए स्वास्थ्य टीम के द्वारा जाँच की गई। सबसे पहले दवा भंडार कक्ष में ताला लटका भड़क गई, उसे खुलवाने का निर्देश दिया। वही जाँच कर रहे हैं केंद्रीय टीम। इसकी भनक ग्रामीणों को लग गई कि दिल्ली से जाँच टीम आई है, तो फिर क्या 100 की संख्या में ग्रामीण आ पहुंचा। फिर क्या आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की ने खोल दी। ग्रामीण ने बताया कि हजूर प्रसव पीड़ा से कराहती महिला जब अस्पताल लाई जाती है तो स्टाफ और डॉक्टर नहीं मिलते हैं। कई बार प्रसव जुगाड़ गाड़ी पर ही बच्चे को जन्म दे देती। यह सुनकर केंद्रीय टीम के सदस्य ने क्षेत्रीय दौरा किया। उसमें पसराहा दिसावर बात करहलिया एवं कई गाँवों में जाकर हर ग्रामीण से पूछताछ की गई। वही करिया निवासी रंजीत कुमार सन्नी यादव ने बताया कि रोज नहीं खुलता है अस्पताल। इलाज के लिए 15 किलोमीटर दूर असरगंज और 30 किलोमीटर सुल्तान जाना पड़ता। अगर सरकार के द्वारा सारी सुविधा दी जा रही है तो आप लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। जान जोखिम में डालकर 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। वही देशावर गांव के निवासी ने बताया कि गांव के ही स्टाफ रहने के कारण अस्पताल प्रतिदिन नहीं खुल पाती है। समुचित उपचार के साथ साथ दवा भी उपलब्ध नहीं रहता है। वही ग्रामीणों ने लिखित आवेदन देकर जाँच की टीम से गुहार लगाई। गयी स्वास्थ्य कर्मी उपरिथति बायोमेट्रिक मशीन से करवाएं और सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात कही। फिलहाल देखना यह होगा कि जाँच की टीम आने से ग्रामीणों को कितना फायदा होता है या फिर कागज पर ही सिमट जाएंगे। कौन सा जगह हुआ? करारिया। क्या हुआ था? हम 4 महीने दौड़ी, लेकिन खुला नहीं मिला। की नाम बोले अपने का? अरुण मल्ला। दवाई तवाई यहाँ मिले छे? दवाई वाले मिले थे के लिए जो आए थे, इसमें क्या पाया? तो बेसिकली ये जो जांच थी, एक हमारा प्रोग्राम है हेल्थ एंड आयुष्मान भारत का, इसके 2 घट हैं। एक पीएमजे, एक है आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो प्रधानमंत्री जी ने 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने के लिए बोला है, जिसमें बिहार में भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बना है, जो कि आपका ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। तो एक साल के इम्प्लीमेंट, ये हमारा 2 साल के आसपास लगभग इम्प्लीमेंटेशन हो गया है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि क्या इस आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनने से लोगों को कुछ सुविधाएं मिल पाई हैं या नहीं मिल पाई हैं। इसके लिए एक सरकार ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है और पूरे देश में इसका एक इवेल्युएशन किया जा रहा है। इसमें बिहार का भी एक पार्ट है। तो इसमें कई लेवल का लोगों से इन्फॉर्मेशन गैदर किया जाता है। जैसे पहले होता है हमारा कि जाते हैं हम लोग गाँव में, लोगों से जिन लोगों ने सर्विसेज ली हैं उनसे बात करते हैं कि वहाँ गए किस तरह की सर्विसेज मिली, किस तरह का व्यवहार रहा लोगों का, आपको दवाइयाँ मिली, डायग्नोस्टिक मिले कि नहीं मिले, ये पता करते हैं। फिर आते हैं अस्पताल में, अस्पताल के लोगों से पूछते हैं कि आपको सर्विसेज देने में क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या आपको और सुविधाएँ मिल जाएँ तो आप अच्छे से सर्विसेज दे सकें, क्या आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। उसके बाद हम जाते हैं डिस्ट्रिक्ट। Press the bell icon on YouTube and never miss another update.